नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। शाम के 5 बजने को है और शंखनाथ के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। क्या मजहबी वोट की राजनीति करने वाले ओवैसी भाईजान की राजनीति ने यूटर्न ले लिया है, या यूपी की सियासत में दो दो हाथ करने से पहले ही ओवैसी ने सरेंडर करने का मन बना लिया है? आज शंखनाद में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कल तक खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाले ओवैसी, जो ये कहते थे कि वो सेक्युलरिज्म के कूली नहीं, अकेले उसका बोझा उठाने वाले नहीं, अब वही ओवैसी साहब सेक्युलर वॉशिंग मशीन में धुलकर सेक्युलर चोला पहनने की तैयारी कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने अब ए टू जेड फॉर्मूले की बात कही है, यानी यूपी में अब MY समीकरण या सिर्फ 19% मुस्लिम वोट से ओवैसी की नैया पार नहीं होगी, यह बात उन्होंने मान ली। सवाल यह भी है कि सभी पार्टियों से खुद को साथ लेने की बार बार अपील करने वाली सियासत की इस लैला से पार्टियों ने दूरी क्यों बना रखी, इसी पर शंखनाद में बड़ी बहस होगी। लेकिन यह रिपोर्ट पहले देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान अर रहीम। खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाली लैला की जमीन खिसक रही है। चीख चीख कर यूपी की सियासत में नफरती जहर फूंकने वाले भाईजान के सुर अचानक से बदले बदले से, जिनकी जुबान से सिर्फ मुसलमान मुसलमान ही निकलता था, आप सुनिए और देखिए ओवैसी साहब क्या कहने लगे हैं। हम पहले ही ये कह चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप BJP को नहीं हरा पाएंगे, आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप BJP को टफ फाइट दे सकते हैं। इन हताश बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत की लैला आजकल किस कदर बेचैन है। उनके बयान से साफ है कि अब भड़काऊ भाईजान भी सेक्युलर का चोला ओढ़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उन्हें यकीन हो चुका है कि अब हिस्सेदार और बपौती वाले अल्फाज यूपी में काम नहीं आने वाले हैं। वतन अजीज के तारा को मुसलमानों, हिंदुस्तान में हम किराएदार नहीं हिस्सेदार है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी है। इख्तदार किसी के पास होगा। दरअसल हैदराबादी भाईजान को तख्तोताज का तगड़ा चस्का लगा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है कि ओल्ड हैदराबाद को छोड़कर पूरे देश में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, तो कुल जमा नफरत की खेती बचती है इनके पास। तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते, तुम्हारे सच से नहीं डर सकते। भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया। लेकिन यूपी में भगवा लहर ऐसी है कि ओवैसी का पूरे समीकरण का डब्बा गोल हो चुका है, और ओवैसी की पलटी मार चाल से मुसलमान हैरत में पड़ गए हो, ठगा महसूस कर रहे हो, इसमें कोई शंका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए शंखनाद में बहस की शुरुआत करो, उससे पहले अपने मेहमानों से आपको मिला देता हूं। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर कौशल कांत मिश्र प्रवक्ता BJP के, डॉक्टर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और बिलाल खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट। दानिश कुरैशी, मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। अब असदुद्दीन ओवैसी A to Z की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी चुनावी सभाओं में अक्सर बात तो सिर्फ M की ही होती है, अब M से A to Z कैसे हो गया? देखिए, मैं एक बात करूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर वो बात कहते हैं कि सेक्युलरिज्म का बोझा वो अकेला क्यों ढो, तब भी यूपी की सियासत में मौजूद सारी सियासी पार्टियों को दिक्कत है। उन्होंने पहले ही कहा था कि अब जो है समीकरण A to Z चलेगा, अब जब A to Z की बात आई है तब भी दिक्कत है। और मुझे लगता है कि जब भी वो कभी बात करते हैं किसी कुचली हुई कम्युनिटी की, किसी दबी हुई कम्युनिटी की, अगर उसकी बात करना कोई गुनाह है तो आप बता दीजिए। उन्होंने जब भी कोई बात कही है तो क्या कोई बात में फरेब है? अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का शोषण हुआ है, दलितों का, आदिवासियों का शोषण हुआ, तो क्या इस बात में कोई गलत बात है? अगर तो आप उनकी बात को गलत साबित कर दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी के बाद
जिन लोगों को ये लगता है कि अब हम एक समाज को, एक विशेष समाज को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, लॉलीपॉप नहीं दे पाएंगे, अब प्रैक्टिकली उनको बजट में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये, नहीं नहीं, आपका संदेश, असदुद्दीन ओवैसी का संदेश एमवाई के लिए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लिए था। अभिषेक राय जी, मतलब समाजवादी पार्टी का एमवाई कॉम्बिनेशन लोगों को बेवकूफ बनाने वाला कॉम्बिनेशन है। बहुत सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा नफरत की राजनीति करती है। सपा सरकार में हमने संस्कृत विश्वविद्यालयों के लिए भी अनुदान दिया और जो बंदी के कगार पे है सरकार में, हमने लोहिया वानी आवास के लिए भी 2.7 लाख रुपए दिया और जो इस सरकार में 1.20 लाख हो गया। हमने लैपटॉप बांटे बिना भेदभाव के बांटे। तो हम जातिगत जनगणना में नहीं फंसना चाह रहे, हम तो मांग करते हैं ना जिसकी जातिगत जनगणना करा लो साहब, जिसका जिना जितना अनुपात हो उसको उतना वो दे दो, आप अधिकार दे दो। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहती है, संसद में अलग बयान देती है और आप मुसलमानों के 19% वोट लेके सोचेंगे कि मैं बीजेपी को हरा दूं तो वो संभव नहीं है। आप 11% यादवों के वोट को लेकर सोचेंगे कि यहां पर सरकार बना लूं, वो पॉसिबल नहीं है। कि कब कहा समाजवादी पार्टी ने, हम सिर्फ एमवाई से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी हर वर्ग की बात करती है, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो सवर्ण वर्ग हो। अच्छा, आप देखे ना केंद्र की सरकार, दानिश कुरैशी देखिए, आप ही की बातें, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। दानिश कुरैशी देखिए, यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमने कब कहा कि हम सिर्फ एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। आप बेफिजूल का उनको नसीहत दे रहे हैं, ए टू जेड का। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं अभिषेक साहब, जो कह रहे हैं वो सिर्फ बातें ही करते हैं सबकी, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो हर पुलिस थाने में फिर यादव पीएसओ पीएसआई नियुक्त कर देते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब बातें करना, अभिषेक राय को रखिए स्क्रीन पर, प्रैक्टिकल काम शुरू। ये जरूरी है, आप जिनका वोट लेते हैं उनको एम्पावर कीजिए, उनको स्टेक दीजिए। आप समझ लीजिए कि चुनाव खत्म होने के बाद ये मत कहिएगा कि इस पार्टी की वजह से आ रहे या उस पार्टी की वजह से आ रहे। साहब जो कह रहे हैं ए टू जेड समीकरण बनाना पड़ेगा, मतलब हर उसको आपको साथ में लेना पड़ेगा जिनका अपना वोट है, जिनके अपने लीडर है, जिनका अपना स्टेक है। अभिषेक राय साहब जवाब देना चाहेंगे इसका? इसका जवाब देना चाहूंगा। बोलिए। हमने, आप मुझे बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कब कहा कि हम से एमवाई की बात करेंगे। हम हर जाति वर्ग को सम्मेलन दे वो दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो सवर्ण समाज हो। मैं जल्दी से कौशल कांत मिश्रा का भी मैं रुख कर लूंगा। कौशल कांत मिश्रा जी, ये ए टू जेड कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के सबका साथ सबका विकास इसके नारे से प्रभावित हो गए? असदुद्दीन ओवैसी साहब, बात तो वही है, सबका साथ सबका विकास, यहाँ ए टू जेड सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। देखिए प्रत्युष जी, आपने देखा जिस तरीके से विपक्षी लोग अपना पाला बदल रहे हैं, ये एक छटपटाहट दिखाई पड़ती है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नई राजनीति की शुरुआत की, जो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके आगे बढ़ी है, उसने पूरे हिंदुस्तान की बात की है और उसका मेन नारा यही है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और इस बार सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 350 सीटों से ज्यादा आएगी। और यही डर और यही छटपटाहट सबके चेहरों पे, सबके वक्तव्यों पे और सबके अपने अपने मैनिफेस्टो में नजर आ रही है। तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता है सब जानती है, आप चिंता ना करें। सारा भारतीय समाज, सारा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, आगे आगे चल रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आई है और आप देख रहे हैं ओबीसी जैसी पार्टियां, एआईएम जैसी पार्टियां भी, ओबीसी जैसे लोग भी आज एमवाई फैक्टर को भूल करके ए टू जेड की बात कर रहे हैं। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसी रास्ते पे आप देखिएगा हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियां। भरोसा डगमगा गया क्या ओबीसी साहब का एम फैक्टर से? बहुत कोशिश कर ली उन्होंने अभी तक, कई चुनावी सभाएं करके, उनको लग नहीं रहा कि अब
मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं ए टू जेड को पकड़ो। देखिए सुशील जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने लकब दिया है लैला का, ये गलत है। अरे हाँ, ये हमने नहीं दिया, उन्होंने खुद का है, उन्होंने खुद का एक बार नहीं कई मर्तबा का है, हमारे तरफ से गढ़ा गया शब्द नहीं है, उन्होंने खुद को सियासत की लैला माना है। अरे सुनिए प्रतियोगी जी, सुनिए, हिंदुस्तान की राजनीति के आइटम गल है, जो हिंदुस्तान की राजनीति है उसके आइटम गल, इसको देने तक बिना ओएसी के कोई भी अगर हिंदुस्तान के अंदर स्टेट के अंदर इलेक्शन होता है, इनके बिना, इनकी बात के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति के आइटम गल है जो आप लोगों ने बना रखा है इनको। अरे भाई वो एक सेकुलर बात कर रहे हैं, कोई चीज कह रहे हैं उसको, अगर आप कोई गलत कह रहे हैं तो हिंदुस्तान के आयन के खिलाफ कह रहे हैं, कानून के खिलाफ कह रहे हैं, तो उनको जेल डालिए। लेकिन अब मुद्दा बना के सारी चीजों को वैसी वैसी चला के इसको हिंदू मुस्लिम बनाना, ये तो राजनीति बीजेपी की शुरू से चलती आ रही है, इसी राजनीति पे तो टिके हुए हैं। वो कुछ अलग बयान दे रहे, वो हिंदुओं के मारने की बात नहीं, कुछ बात निकल जाए उनकी पार्टी के किसी आदमी से, उसे तोड़ मरोड़ के आप हिंदू मुस्लिम बना दे, यही राजनीति शुरू से चलती आ रही है। मुद्दों की बात नहीं करेंगे, देश के अंदर आज क्या मुद्दे होना चाहिए। नहीं, आपने सुना नहीं, बिलाल खान, बिलाल खान, देखिए कौशल कांत ने यही कहा कि नहीं, ये सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, वही चीज अब ए टू जेड की बात करने लगे असदुद्दीन अवैसी साहब, जो कल तक कहते थे एम फैक्टर कहां गया, एम फैक्टर जब लोगों को सत्ता तक पहुंचा सकता है मुख्यमंत्री हमारा क्यों नहीं हुआ, कहीं भी चुनावी मंच पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ MMM यानी मुसलमानों की बात करते हैं, अब वो कह रहे हैं ए टू जेड, तो वो कह रहे हैं ना, उनको नजर आ गया कि अच्छा, नजर आ गया नहीं चलेगा हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, जरूरी नहीं है सबको लेकर चलना पड़ेगा। अब उनकी अकल खुल रही है, मैं मानता हूँ उनको अकल, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ए टू जेड में सारे लोग आ गए, अगर वो इस चीज को मान रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं अकल आ रही है, समझ आ रही है। मैं विशाल मिश्रा जी को भी जोड़ना चाहूंगा, विशाल मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या उनको ऐसा लग रहा है कि एम फैक्टर के भरोसे हम आगे बढ़ नहीं सकते, या फिर ये समाजवादी पार्टी को एक चकमा है कि उनका ध्यान एम फैक्टर से हटा लिया जाए? नहीं देखिए सत्यूल जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, भारत की राजनीति अब बदली है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, सबको साथ में लेकर चलने का, तो आज कहीं ना कहीं वो पार्टियां जो आरक्षित किसी विशेष जाति धर्म का होने का दावा करती थी, अब उनको इस बात का विश्वास हो चुका है कि या उनका खेल अब बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। आप देखिए ना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजनीति की दशा और दिशा को ही परिवर्तित कर दिया है, एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है, जिसमें आप इंक्लूसिव साथ लेकर चलने की बात होती है और अंतिम पायदान को ही समाज की मुख्य धारा में लाकर चलने की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी का और मामले अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने कब एमओआई का नारा दिया, मैं आप जरा इनसे पूछिएगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने का वादा किसने किया था, उत्तर प्रदेश के बताइए ना विधानसभा की चुनाव में, और एमओआई का नारा दिया गया था कि नहीं दिया गया था, कि एमओआई का फैक्टर है, इसके आधार पर वहां पे लालू प्रसाद, इसी आधार पर जो वहां बिहार में भी जो है बात की गई थी। तो देखिए क्या है ना कि एक विशेष धर्म को लेकर इन लोगों की अपनी राजनीति चलती रही, ओबैसी जी को लगा कि वो भी अपने फैक्टर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उनको भी एहसास है, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है उससे बहुत लंबे समय तक वो केवल, मतलब कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं विशाल जी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि अब मजबूरन बाकी दलों को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ होना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान। डॉक्टर अभिषेक राय जवाब। मैं विशाल जी की बात सुन रहा था, विशाल जी की बात का उत्तर देना चाहता हूँ। विशाल जी उत्तर सुन रहे बोलिए सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए अभिषेक जी बोलिए। आप सुनिए विशाल जी आपने जो बात करी ना वो एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करी, मैं आपको एकदम सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ। हमने, आप ये हमें बता दें, हमने किस धर्म की, हमने परशुराम जी की जयंती को छुट्टी दी थी कि नहीं दी थी?
मिश्रा जी आप ये जवाब को नहीं दे पाएंगे, आप किसने सुन लीजिए मिश्रा जी, मिश्रा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमने संस्कृत यूनिवर्सिटी से अनुदान दिया था कि नहीं दिया था, हमने संस्कृत यूनिवर्सिटी में शिक्षक मिश्रा जी ना आप एक प्रबुद्ध वर्ग से हो गए, इस तरह की बात करोगे आप देखिए ना अपने राजनीति के झंडे को यहाँ नहीं आपके भारतीय जनता पार्टी सरकार मिल जाएगा, आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार मिल जाएगा, बचाते रहो विशाल जी बात आपका जवाब नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताए आज तक आजाद भारत के इतिहास में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ लखीमपुर खीरी में, और उसके ऊपर इस तरह का इतिहास हुआ कि उसे 6 दिन घर बिठाया गया, ये किस बात के इतिहास में हुआ? आज का जवाब दे पाएंगे आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप एक पार्टी विशेष को सेवा कर रहे हैं। सुन ले, आप अपने अपने राजनीतिक विशेष का ताज हटा दो, आप एक पार्टी विशेष के वो बन जाओ। मैं आपसे सीधा से सवाल पूछ रहा हूँ जी, लखीमपुर पर काफी बहस हो गई है अभिषेक जी, लखीमपुर पर काफी बहस हो गई और आगे भी बहस होती रहती है। सुन लीजिए अभिषेक जी, सवाल यहाँ पर है असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कन्नी क्यों काट रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ, हमने कोई कन्नी नहीं काटी, हमारी पार्टी जनता को पता है। अच्छा एक बात बताइए दानिश कुरैशी, लगातार असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सभी पार्टियों से कि भाई बीजेपी को हराना हमारे साथ आ जाओ, शिवपाल यादव से न जाने कितनी बार मुलाकातें हो चुकी हैं, वो अखिलेश यादव को भी इनवाइट कर रहे हैं कि हमें साथ ले लो, कोई साथ क्यों नहीं लेता कुरैशी साहब? देखिए प्रतीश जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि सत्ता में हिस्सेदारी अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपना क्या पॉलिसी है वो तो वही लोग तय करें, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे सपा के सुप्रीमो हो, जो भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है जो मैं अपने पहले वक्तव्य में भी कह चुका हूँ कि इस चुनाव में जो पूरी वो रखी जा रहा है, धुरी जो रखी जा रही है, उसमें एक बात बहुत क्लियर है, बार बार मुझे लग रहा है कि ओवैसी साहब का जो दावतनामा है वो एक बिना पर है कि कल के दिन आप ये मत कहिएगा कि इसकी वजह से या उसकी वजह से या उसकी वजह से हारे, क्योंकि कौशलकांत मिश्रा जी वॉक ओवर मिल गया आप लोगों को, वॉकओवर दे दिया, बीजेपी दोबारा आ रही है जीत कर, अब ये पहले ही मार के बैठ गए। देखिए वॉकओवर मिल गया, भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है सबका साथ सबका विकास, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उसी पे आना पड़ेगा, और जब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे खेलेंगे तो हमें पता है कि जब सबका साथ विकास की बात होगी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबकी बात की है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात देखिए ना, वो कहां कहां जीत के आई है, वो वहां वहां जीती है जहां पर उनका एम फैक्टर यानी मुसलमानों का वोट ज्यादा है, हैदराबाद देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार की वो एरिया देखिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में जब अभी ओवैसी साहब आए थे तो उन्होंने चुन चुन करके ये बोला कि कोई भी मुसलमान जो हमारी पार्टी से टिकट चाहता है हम उसको टिकट देने के लिए तैयार है। ये वर्ड कहां से आया? ये हमने नहीं बनाया, ये ओवैसी का खुद का दिया हुआ वक्तव्य है, उन्होंने सारे मुस्लिम लोगों को ये कहा कि जो चाहे वो आके लड़ सकता है, तो यहीं से पता चल जाता सच्चाई। जब देश में इस तरह की राजनीति करने के लिए एक नया जिन्ना पैदा हो जाएगा तो देशवासियों को जागना पड़ेगा और पूरे देश को जागना पड़ेगा, हर हिंदुस्तानी को जागना पड़ेगा, और जब हर हिंदुस्तानी जागेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यही होगा, 350 की प्रचंड बहुमत से 2022 में फिर आएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग इसी तरह से पीछे होते जाएंगे, यही भविष्य है, यही भारत का भविष्य है। और यही होगा, आप कह रहे हैं कि अगर सब साथ नहीं आए तो बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता, यानी आपने पहले ही तो वॉकओवर दे दिया, क्योंकि अभी तक आप लोगों का बीएसपी एसपी एआईएमआईएम और ओपी राजभर के गठबंधन का एक बड़ा खाका तो तैयार हुआ नहीं है,
और आप कह रहे हैं कि अगर साथ नहीं आएगा तो बीजेपी को कोई सत्ता में आने से रोक नहीं सकता, इसका मतलब आपने वॉकओवर दे दिया। आपने देखा नहीं, आपने आपने नहीं देखा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये कौशल जी का बात कर रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उन्हें ये पता नहीं है कि आज जो प्रधानमंत्री है वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री थे उस राज्य में किस तरीके की गौरव यात्रा निकाली गई थी? बिलाल खान देखिए देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने दो बयान पहले भी दिए थे, वो ये कहते हैं कि भाई सपा कांग्रेस को 2017 में देख लिया लोगों ने, बीजेपी को नहीं हरा पाई, 2019 में एसपी बीएसपी साथ आई नहीं हरा पाई, अगर इस बार 2022 में साथ नहीं आए तो फिर बीजेपी आ जाएगी, यानी वो मान रहे हैं कि साथ लो नहीं लोगे तो फिर सबको पता है नतीजे चुनावी क्या होंगे। बिलाल खान प्रत्युष जी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्युष जी मैं बता 2022 के अंदर मैं बता रहा हूँ योगी जी सिर्फ घंटा बजाने के लिए रह जाएंगे, क्योंकि उनकी विदाई पक्की है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, लेकिन जो जनता है उत्तर प्रदेश की जिसने झेला है, जो आए दिन बलात्कार होते हैं वहां पर, आए दिन जो किसान हमारे बैठे उनको कुचलने का काम इन्हीं के मंत्री के बेटे करते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ये जनता जानती है। महंगाई आज देख ले, पेट्रोल डीजल का हाल क्या हो गया, आज बेरोजगार युवा घूम रहा है, इस पर वोट का डाली जाएगी, और योगी जी घंटा बजाने के लिए रह जाएंगे, सिर्फ आप देख लेना। मैं आपको यहाँ आपसे जल्दी से जवाब कौशल कांत, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। आपने देखा प्रत्युष जी जिस तरीके से बोला जा रहा है योगी जी घंटा बजाएंगे, ये क्यों नहीं बोला जाता कि कोई अजान देगा? इस तरह की जो ये जो एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने वाली जो राजनीति है ना, यही वजह है, इसी वजह से प्रदेश का हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी जागेगा और भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि अभी तक हमेशा जात की और धर्म की राजनीति होती रही है। आप देख लीजिए जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस ने पहले दलित और मुसलमान की राजनीति की, उसके बाद सपा बसपा जैसी पॉलिटिकल पार्टियां आई जिन्होंने जातिवाद की राजनीति की, ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हिंदुस्तान की बात की है, हिंदुस्तानी की बात की है, भारतीयता की बात की है, और जो भी भारतीय है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और यही होगा और यही भारत का भविष्य। देखिएगा आप सब देखिएगा यहाँ पर। चलिए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी कि बंगाल में ओवैसी साहब के साथ क्या हुआ लोगों ने देख लिया, गठबंधन बनते बनते वो अकेले रह गए। खबर यह भी है कि 2022 के चुनाव से पहले संकल्प भागीदार मोर्चा जिसके अभी वो हिस्सेदार है, शायद इसमें भी वो अकेले रह जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उस पर बहस आगे बढ़ाऊंगा। इस लौटते हैं शंखनाद में, बहस आज इस मुद्दे पर कि ओवैसी जो कल तक एम फैक्टर की बात करते थे, अचानक से वो A to Z की बात क्यों करने लगे हैं। मैं कौशल कांत जी आपसे पहले सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, उम्मीदवारी की बारी आती है, तो मुस्लिम गायब हो जाते हैं। जीत के लिए क्या फैक्टर जरूरी है? जो आदमी जिताएगा टिकट उसी को मिलेगा। आपको भी पता है जिस समुदाय की बात कर रहे हैं वो लोग वोट कितना देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये बात जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक पार्टी कैसे समझेगी? आप ये बड़ा क्लियर कट समझ लीजिए। अभी बात ओवैसी जी की हो रही है ना, ओवैसी जी ने क्या कहा था, अगर देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम क्या करेंगे? इन्होंने ये भी कहा था, प्रदेश की जनता को याद रखना चाहिए कि जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो इन्होंने कहा था कि हम अपनी मस्जिद को वापस ले आएंगे इंशाअल्लाह, मतलब इनके मन में यह है कि हम राम मंदिर को दोबारा गिराएंगे और मस्जिद बनाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर के लिए चंदा देना इस्लाम के खिलाफ है। इन्होंने ये तक कहा था कि इस तरह की आवाज कट के आ रही है। मैं दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले जो मैंने कहा था कि जो सवाल मैं करूंगा, बंगाल में पीरजादा के साथ लैला का ब्रेकअप हो गया। अब खबरें यह भी है कि यूपी में ओपी राजभर के गठबंधन के साथ भी इस सियासी लैला का ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के खेमे में बहुत जल्द वो जाने वाले हैं। दानिश कुरैशी साहब जी, देखिए प्रत्युष, मैं ऐसा मानता हूं कि कुदरत ने कोशिश में कामयाबी रखी है और हमारे पास तो तारीफ है पूरी, वाजपेयी जी की पहली बार की 13 दिन की सरकार भी हमने देखी है इस देश के अंदर में, इस देश में वीपी सिंह की सरकार भी देखी है, इस देश में मोरारजी देसाई साहब की भी सरकार देखी है,
तो राजनीति में कोशिश करना वो हर एक नेता के पास, हर एक राजनीतिक पार्टी के पास उसका हक है। और वो कितना अलायंस बना पाएगा, इस बार भी अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे ओवैसी साहब, बंगाल की तरह यहाँ भी तो अकेले नहीं पड़ जाएंगे। वो तो वक्त बताएगा, वो तो लोग बताएंगे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए सारी पार्टियों को अपने अपने तरीके से। कोशिश करने में तो कोई एतराज होना नहीं चाहिए किसी को। ये तो पार्टियां तय करेंगी कि भाई अलायंस में जाना है या नहीं जाना है। उनका मफाद होगा, उन्हें फायदा होगा तो वो चले जाएंगे, चुनाव के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन पहले होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विशाल जी, मतलब कॉन्फिडेंस अभी नहीं है AIMIM को कि आगे क्या करना है। विशाल जी, कॉन्फिडेंस डोल गया है। आप जरा AIMIM का पिछला रिकॉर्ड देखिए, आप देखिए वो कहां से चुनाव लड़ते हैं। हैदराबाद में ही अभी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था, भाग्यनगर में 150 सीटें हैं। आप उनसे पूछिए कितने सीटों पर चुनाव लड़े थे, आपके सामने मार 51 सीटों पर। बिहार में इलेक्शन हुआ था, कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे और कहां से लड़ते हैं। बात ये नहीं कि कितनी सीटों पर लड़ते हैं, बात ये है कि कहां से लड़ते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ वहीं से चुनाव लड़ते हैं जहां पर एक विशेष वर्ग धर्म के उनके अपने लोगों की भागीदारी होती है, संख्या होती है। ये अपने आप में ही जो है दर्शाता है कि वो किस नैरेटिव पर चल रहे हैं। अब आज वो कमकल हो गए हैं A to Z की बात करने के लिए। मुझे तो नहीं विश्वास है कि वो A to Z की बात करते, क्योंकि खड़े होकर मंच से ये बोल रहा हो कि नहीं हमारा 19% होगा, क्यों नहीं हो सकता। बार बार एक विशेष धर्म के लोगों से अपील करना, लेकिन ये भी बात सही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया किया है कि नहीं, आप किसी एक विशेष वर्ग को लेकर अब नहीं चल सकते। आपको राजनीति करनी है तो आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा, सबकी बात करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक नया नैरेटिव बनाया गया है भारतीय राजनीति में, तो दानिश कुरैशी, मतलब बीजेपी ने जो ट्रेंड सेट किया उसी पर अब AIMIM चल रही है, स्वीकार कर लीजिए फिर इसे। नहीं नहीं, सबका साथ सबका विकास अब उसी ट्रेंड पर चल रही है AIMIM भी। अगर सबका साथ सबका विकास की बात है तो फिर योगी जी उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया 4.5 साल में, उस पर बात करें बजाय उड़ेसी जी के। वो बताएंगे लॉकडाउन में क्या हुआ, वो बताए कोरोना महामारी में क्या हुआ, वो बताए रोजगारों में क्या आलम है, वो बताए गंगा में लाश कैसे बह रही थी। तो बात इस पर होती है, लेकिन उनके पास जातिगत और सांप्रदायिक राजनीति के सिवा। चलिए मैं अभिषेक राय को भी जोड़ना चाहूंगा। अभिषेक राय जी, डॉक्टर अभिषेक राय, आप AIMIM को, असदुद्दीन ओवैसी को आप सेक्युलर मानते हैं या नहीं? समाजवादी पार्टी क्या मानती है उनको? समाजवादी पार्टी के लिए AIMIM क्या है, एक सेक्युलर पार्टी है या नहीं है? पार्टी प्रत्यु जी, समाजवादी पार्टी को पता है और उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उसे पता है कि कौन किसकी बी टीम है और एकदम पता है। नहीं नहीं, मैंने 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 एक सवाल किया आपसे, मैंने ये कहा AIMIM समाजवादी पार्टी के लिए सेक्युलर है या नहीं है? हमारी पूरी बात मैंने वही बोला, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात में आप जवाब समझ लेंगे। हमने बोला ना AIM किसकी भी टीम है ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इसीलिए पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी जहाँ बैलेट से चुनाव हुआ नंबर वन निकली। अभी मैं विशाल जी की बातें सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था, तो मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में चाहे वो कोई भी घटना हो, आज भाजपा की सरकार महंगाई पे बात नहीं करती जो 2014 में डायन होती थी। आज युवा बन के बैठी हुई है, शेयर मार्केट के ऊपर उछल रहा है पेट्रोल और डीजल का दाम, आज उसमें बात नहीं करेंगे। सरसों का तेल महंगा हो गया, DAP महंगी हो गई, खाद महंगा हुआ, 10-11 महीने से किसान बैठे हैं उनके ऊपर टायर रौंद के जा रहे हैं, ठीक है, बात नहीं करेंगे। चलिए ये सभी चुनावी मुद्दे हैं, बिल्कुल ये चुनावी मुद्दे हैं, उठने भी चाहिए। मैं सीधा सवाल आपसे कह रहा हूँ, मैं सीधा सवाल कह रहा हूँ, क्या AIMIM के साथ समाजवादी पार्टी अभी या चुनाव बाद गठबंधन कर सकती है क्या? नहीं, बोलने का पूरा मौका आपको दे रहा हूँ सर, पूरा समय मिल रहा है। अभिषेक जी, अभिषेक जी, पूरा समय मिल रहा है, पूरा समय मिल रहा है, कंप्लीट करने दो ना। चलिए कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए। मैं लेट मी कंप्लीट ना, आप बताएं
अगर सुप्रीम कोर्ट इस सरकार पे इतनी तर्क टिप्पणी कर रहा है कि 302 मुलजिम के साथ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का न्याय होता है कि राजा का बेटे को अलग और प्रजा को अलग शासन, सुप्रीम कोर्ट की तर्क टिप्पणी है। आप बताएं मुझे, आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है, आज उत्तर प्रदेश पावर क्राइसिस फेल कर रहा है, तो क्या ये सरकार ने क्या किया? क्यों नहीं कोयला संयंत्रों को मैनेज किया? इतनी ज्यादा बिजली के पैसे लेने के बाद भी आपने क्यों नहीं मैनेज किया? बिजली रहती तो है उत्तर प्रदेश में, हमने वो भी बिलाल खान, AIMIM लगातार कोशिश कर रही है, AIMIM लगातार कोशिश कर रही है कि बाकी बड़ी पार्टियां भी उनके साथ आए, लेकिन AIMIM को बाकी पार्टियां छूट क्यों समझती हैं? बिलाल खान, विशाल मिश्रा जी की बात का जवाब दूंगा, सुनिए मेरी बात। विशाल मिश्रा जी ने ये बोला कि भाई हम लोग बहुत सेकुलर हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं, कौन से मुसलमान को आज तक आपने टिकट दिया आपकी पार्टी ने? ये राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को कहते हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर इन्होंने सेकुलरिज्म की बात कर दी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हम साथ लेकर चलेंगे, पार्टी से आने से पहले आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। ये सेकुलरिज्म करते हैं आप लोग, ना आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा ये बात कर सकता सेकुलरिज्म की, क्योंकि जितने आप आपके लिए AIMIM क्या है, सेकुलर पार्टी है क्या बिलाल खान? देखिए मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। चलिए समय इजाजत दे रहा है इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शंखनाद में जुड़ने के लिए। जो भी इक्वेशन हो, चाहे NY हो, A to Z हो या फिर कोई और समीकरण हो, असली जो पावर है वो जनादेश में जनता जनार्दन के पास होता है, वह डिसाइड करेगी कि किसे जीत दिलानी और किसे हार। एक छोटा सा ब्रेक का बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।